गुरुकुल इंडियन एजुकेशन के बारे में जो अनकही अनसुनी और छिपाई गई ताकतें हमें समझ में आएंगी। और ये वेबिनार किसी की निंदा करने की नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का भी नहीं है, लेकिन छिपा हुआ सही इतिहास जो सबके सामने लेके आना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इतिहास जो हमें विश्व गुरु कहता था, जहां से पूरे देश से लोग आते थे सीखने के लिए, तो क्यों कहा जाता था विश्व गुरु, ये जानते हैं। इन भाई साहब को सभी जानते होंगे, न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण जोर का शोध लगाया। तो कहा जाता है कि ये पेड़ के नीचे बैठे थे तो इनके सिर के ऊपर एक एप्पल गिरा। तभी इन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इन्होंने शोध कार्य किया, सर्च किया और पाया कि हमारे पृथ्वी मंडल पर एक गुरुत्वाकर्षणीय जोर है, जो हमें सभी ने पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षणीय जोर का शोध न्यूटन जी ने लगाया। लेकिन गुरुत्व प्रयत्न संयोगणम उक्षेपणम, मैं फिर से कहूंगा, गुरुत्व प्रयत्न संयोगणम उक्षेपणम, जहां पे गुरुत्व लिखा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की उपमा दी गई है, जो महर्षि कनाड जी ने वैशेषिक दर्शन में लिखा था, जो हजारों बरस पहले था न्यूटन जी के शोध कार्य से पहले। और इसके साथ साथ ही पाइथागोरस थ्योरम, जो सभी ने याद होगा, तो स्कूल में भी सीखा होगा या कॉलेज में भी सीखा होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम कल्प सूत्र यजुर्वेद में लिखा है। लेकिन हमें क्या बताया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने 300 BC में लिखा था। मंत्र, जब हम ओम बोलते हैं या कोई भी मंत्र बोलते हैं, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो कुछ ध्वनियों को हम मेजरेबल एक पोएटिक मैट्रिक में जब हम पैक कर दें ना, तो उससे वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उस वाइब्रेशन से ब्रेन के पर्टिकुलर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं। ये है मंत्र विद्या। मंत्रों की रचना ऐसी ही नहीं की गई है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक पूरा स्वरूप है। आप सभी लोगों ने रामायण सुना ही होगा, रामायण सुना होगा तो पुष्पक विमान के बारे में भी आपने सुना होगा, विमान यानी एरोप्लेन। तो इस एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट महर्षि भारद्वाज जी ने 7000 वर्ष पूर्व विमान संहिता में लिखा था। प्लेन के डिजाइन, डायमेंशन, कुछ विमान के नाम आपको मैं सुनाऊंगा, जैसे कि मांत्रिक विमान, पुष्पक विमान, तांत्रिक विमान, शोभा विमान जैसे विमानों का शोध डायमेंशन इन्होंने दिया है। और इसकी मदद से शिवकर बापूजी राव तलपड़े जी ने विश्व का सर्वप्रथम अनमैन एयरक्राफ्ट मुर्गशका 1895 में मुंबई में उड़ाया था, राइट्स ब्रदर्स के 8 साल पहले। और यही नहीं, प्राचीन भारत में बल्कि आयन इंजन टेक्नोलॉजी और मर्क्यूरी को फिल्म की तरह यूज करने वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, नासा ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट SIRT-1 1964 में सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जहां पर पूरा विश्व सिर्फ फ्लाइंग कार्स या स्पेस टूरिज्म के बारे में सिर्फ सोच रहा है, यहाँ पे 7000 वर्ष पूर्व भारद्वाज जी ने लिखा था। ये है हमारी वैदिक टेक्नोलॉजी। तो अब हम समझते हैं कि ये गुरुकुल क्या है, इसकी रियली डेफिनेशन क्या है, क्या कहा जाता था गुरुकुल में, क्या सिखाया जाता था। तो गुरुकुल वो जगह है जहां पर जो अनुभव से जीवन सिखाए वो गुरुकुल, एक्सपीरियंस ड्रिवन लर्निंग मॉड्यूल कॉल गुरुकुल। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मैंने शहद खाया वो मीठा लगा, तो वो मीठा का एक्सपीरियंस मुझे आप सभी को देना है कि शहद मीठा कैसे होता है। तो आपने अपने जीवन में कभी भी मीठा नहीं खाया और मेरे पास आपको खिलाने के लिए भी ये शहद नहीं है, तो कैसे करेंगे कि मीठा स्वाद कैसे होता है इसका अनुभव। तो इसके ऊपर हजारों बरस काम हुआ और एक विशिष्ट प्रकार की भाषा की उत्पत्ति हुई, इसे मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे फ्रीक्वेंसी एंड स्पंदन। तो उस स्पंदन से एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों का निर्माण होता है और उस ध्वनियों को बार बार प्रैक्टिस से, बार बार उच्चारण से, हृदय में उठने वाले भाव और जीभ पे आने वाला स्वाद बता देगा कि शहद मीठा कैसे होता है। यह है वैदिक धरोहर। और इसके साथ साथ ही हमें गुरु और टीचर में अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। शिक्षक वो जो शिक्षा दे, शिक्षा भाषा की हो सकती है, अक्षरों की हो सकती है, वाक्य रचनाओं की हो सकती है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री इनकी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ज्ञान दे। गुरु वो जो आपको जीवन सिखाए, जिससे आप जीवन में टॉप कर सको, ना कोई सब्जेक्ट में टॉप करना है, ना कोई रैंक लेके आनी है, ना किसी से कंपटीशन करना है। गुरुकुलों में तो कंपटीशन खुद से ही होता था, खुद से यानी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, खुद की वीकनेस क्या है, आप क्या हो, ये दर्शाने वाले गुरु थे। और जहां पे सिखाया जाता था वो था गुरुकुल।
और इसके साथ साथ ही बहुत सारे मिथ है, मतलब काल्पनिक है, झूठ है। सिर्फ मंत्र सिखाए जाते थे गुरुकुलों में, पेड़ों के नीचे सिखाया जाता था, तो सिर्फ भगवानों के बारे में सिखाया जाता था। लेकिन आज से ये आपके भ्रमित से निकाल दीजिए। गुरुकुल इज वेल स्ट्रक्चर, वेल पैटर्न, वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटीज थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज थी, जहां पर भारत से ही नहीं पूरे जगत से लोग आते थे सीखने के लिए। और आपको पता है कि इसकी एंट्रेंस एग्जाम क्या थी? आपको सिर्फ संस्कृत आना चाहिए। ये थी गुरुकुल की वैदिक परंपरा। और सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी विषयों के बारे में बताऊं तो विज्ञान के बारे में बताऊं, आप ओवरऑल देख सकते हो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो वायु विद्या यानी एविएशन, अंतरिक्ष विद्या स्पेस साइंस, सूर्य विद्या जो सोलार सिस्टम की स्टडी की जाती थी, खगोल विद्या यानी एस्ट्रोनॉमी। तो ऐसे सारे विषय थे विज्ञान में। आप थोड़ा सा देखते हैं कि वैदिक कालखंड का एमबीए कहा था, यानी बिजनेस स्टडीज क्या थी। वाणिज्य यानी कॉमर्स, भेषज, शब्दों में ध्यान दीजिए, भेषज यानी फार्मेसी, रज्जुकर यानी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, सूचीकार जो डाटा एंट्री करने वाले होते हैं ना, डाटा एंट्री, वास्तुकार जो आर्किटेक्चर। तो ये था गुरुकुल का वेल प्लान, वेल स्ट्रक्चर, वैदिक इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये कहाँ से आता था, इसका सोर्स क्या था? ये सोर्स था वैदिक इंडियन स्क्रिप्चर्स, जो ओवरव्यू आप देख सकते हो, जिसमें चार वेद है, 18 पुराण है, धर्मशास्त्र, शब्दों में ध्यान दीजिए आप, धर्म यानी आपने जो धारण किया हो, शास्त्र यानी किसी भी रूल का विस्तार, यानी मॉडर्न लैंग्वेज में कहूं तो एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तंत्र यानी सिस्टम, जादू टोने वाला तंत्र नहीं, सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइज में एक तंत्र होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। इतिहास जो महाभारत रामायण है इसमें दर्ज है। तो पूरे जगत को जो ज्ञान सिखाने की ताकत थी, इसीलिए तो हमें विश्व गुरु कहा जाता था। तो आप थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा और भी लेते हैं कि इस वैदिक विद्याओं में क्या था, इनोवेशन क्या थे, और इसके साथ साथ ही कुछ सीक्रेट्स भी आपको पता चलेंगे कि वैदिक विद्याओं में क्या था। तो चलिए बढ़ते हैं इस वैदिक जर्नी पे। तो आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी 2600 साल पहले हुई थी, और ये करने वाले महर्षि सुश्रुत, जिनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता था, जिन्होंने 300 से ज्यादा सर्जरी का इनोवेशन किया। राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी, कैटरैक सर्जन भी थे, यानी जो आंखों के दोष ठीक करने वाली जो सर्जरी होती है, कैटरैक सर्जन थे। सिजेरियन, अब्डोमिनल, ब्रेन जैसी कठिन से कठिन सर्जरी का इन्होंने इनोवेशन किया। और ये सारी बातें इन्होंने सुश्रुत संहिता में लिखी, और वो सुश्रुत संहिता पूरे जगत में, अरबी में, लैटिन में, अंग्रेजी में, जर्मनी में ट्रांसलेट हुई और पूरे विश्व में फैली। तो ये थे हमारे ग्रेट वर्ल्ड फर्स्ट सर्जन महर्षि सुश्रुत। यज्ञ चिकित्सा यानी जो हम हवन करते हैं, यज्ञ चिकित्सा यानी हवन में ऐसी कौन सी औषधि डाली जाए जिससे आपकी न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जब भी हवन किया जाता है, उसमें विशिष्ट प्रकार की लकड़ी, विशिष्ट प्रकार के हर्ब्स, औषधि डाली जाती है उसके फ्यूम से यानी स्मेल से। तो देखिए कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी हम खाते हैं वो पहले डाइजेस्ट होता है और पोषक तत्वों के हिसाब से आपके बॉडी में जाता है और आपके दिमाग में जाता है। लेकिन एक शॉर्टकट है, जब भी हम हवन करते हैं तो उसके फ्यूम से जो नाक में सीधा जाके लिम्बिक सिस्टम में घुस जाता है ना, वो सीधा ब्रेन में चला जाता है और उससे ब्रेन के नॉन एक्टिव पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। इससे न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद होती है। ये थी यज्ञ चिकित्सा। तो दोस्तों, हम खुश कब होते हैं या कब हम डिसीजन सही लेते हैं? तो इसके ऊपर स्टडी हुई, रिसर्च हुआ कि लोग कब खुश होते हैं या कब सही डिसीजन लेते हैं। तो पाया गया कि जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, खुश होते हैं। जो भी सक्सेसफुल है, जब भी वो डिसीजन लेते हैं या जब वो खुश होते हैं, तो पाया गया कि उनकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी 8 साइकिल पर सेकेंड टू 12 साइकिल पर सेकेंड पे होती है। ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी यानी कि मेजरेबल पॉइंट है ब्रेन की स्पीड को चेक करने के लिए। तो ये ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी जब 12 के ऊपर चली जाती है ना, तो आप एंजाइटी फील करते हो, 21 के ऊपर गई तो हाइपर एंजाइटी फील करते हो, और 30 पे रही तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ, तो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होती है जहां पर आप जाने भर से ही आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी 8 साइकिल पर सेकेंड टू 12 साइकिल पर सेकेंड पे हो जाती है। तो उससे आप अच्छे डिसीजन ले पाते हो,
आप खुश होते हो और अपने जीवन में पढ़ते हो। और ये जिसे सभी लोग परिचित है वास्तुशास्त्र कहा जाता है, जहां पर एक बिल्डिंग पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करती है, मंदिर घर पर्टिकुलर जगह है जहां वास्तु आर्किटेक्चर के नियम अनुसार बनाई गई है, जहां पर जाने भर से ही आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी 8 साइकिल पर सेकेंड टू 12 साइकिल पर सेकेंड पे हो जाती है और आप अच्छे डिसीजन ले पाते हो। ये है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र आपका डोर कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए या बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, इतने तक ही सीमित नहीं है। एक साइंटिफिक वैज्ञानिक शास्त्र है जिससे मदद से हम अच्छे कर्म कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए, ये सभी ने सुना होगा यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, लेकिन जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, यानी जो शरीर में है। तो ऐसा कैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड और ये शरीर में है, ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। लेकिन थोड़ा सा देवताओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 33 टाइप्स के देवता है, यानी 33 कोटि देवता। और ये कोटि शब्द जिन्होंने करोड़ बोला है, 33 करोड़ देवता, ये ब्रिटिशों का गलत ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये 33 टाइप्स के देवता है जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, मिला के 33 टाइप्स के देवता होते हैं। तो देवता की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, ये जो पॉजिटिव अप्रोच है ना, इसे देवता कहा गया है। मुझे नई स्किल सीखनी है, जो ये नई स्किल सीखनी है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, इसे देवता कहा गया है। और इन देवताओं के ऊपर स्टडी हुई तो एक सिस्टमेटिक मेजरेबल पैटर्न में डाला गया जिसे कहा जाता है वास्तु पुरुष मंडला, जो वास्तुकार यूज करते हैं। तो ये 33 टाइप्स के देवता हैं, 12 असुर, मिला के 45 देवताज होते हैं। तो ये देवता क्या है? तो ये देवता अलग अलग फंक्शनिंग के टाइप है जो डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये पॉजिटिव अप्रोच होगी देवता। मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, ये जो नेगेटिव अप्रोच है ना, इसे असुर कहा गया है। मुझे आज प्रेजेंटेशन देनी है, ये जो प्रेजेंटेशन देने वाली जो पॉजिटिव अप्रोच है, इसे देवता कहा गया है। मुझे प्रेजेंटेशन देते वक्त डर लगता है, ये जो डर है ना, इसे असुर कहा गया है। जो देवता है ये पॉजिटिव अप्रोच, सूर्य नेगेटिव अप्रोच। तो इसके ऊपर भी पूरा अध्ययन हुआ। आप ऑब्जर्व करोगे तो ये राउंड शेप में है, यहाँ पे सेंटर में ब्रह्मा लिखा है। तो ब्रह्मा ही सेंटर में क्यों है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस क्यों है? तो इसके ऊपर स्टडी हुई। याद रखिए कि मैंने क्या बोला था, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में वही शरीर में है। तो ये वास्तु पुरुष मंडल जो राउंड शेप में है, ये हमारे आकाश गंगा का डिपिक्शन है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी, जो सारे देवता इसमें मिले हुए। तो एग्जाम्पल, 4 नक्षत्र के पॉइंट्स मिला के, नक्षत्र यानी जो तारों का समूह होता है उसे नक्षत्र कहा गया है। तो 4 नक्षत्र मिला के जहां पर दिन और रात एक होते हैं, उसे ब्रह्मा कहा गया है। अंतरिक्ष को जो आलोकित करते हैं, आलोकित यानी लाइटनिंग देते हैं, उसे 12 आदित्य कहा गया है। और वायुमंडल में जो थंडर्स है यानी तूफान है, उसे कंट्रोल करते हैं, जो है 11 रुद्र। और पृथ्वी मंडल पे जो लगातार रिसोर्स चलाते रहते हैं, यानी चलाते रहते हैं, उसे 8 वसु कहा गया है। यह है देवता का डिपिक्शन इस ब्रह्मांड में। और अब शरीर की बारी। तो वेदों में क्या कहा गया है कि 3 लोक हैं, आकाश मंडल, पृथ्वी मंडल और पृथ्वी आकाश मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी मंडल। आकाश मंडल यानी वो भी एक अंतरिक्ष, लेकिन इस हेड को भी आकाश मंडल कहा गया है। और एक वायुमंडल, जो ब्रेन के जो पार्ट्स है, जिसे मेडुला और ऑब्लगेंडा कहा गया है, उसे भी वायुमंडल कहा गया है। पृथ्वी मंडल जो हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर में 12 क्रैनियल नर्व्स होती है। 12 क्रैनियल नर्व्स यानी जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है, तो वो 12 क्रैनियल नर्व्स 12 आदित्य कहा गया है। और जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लगेंडा, वहां से कुछ नाड़ियां जाती है जो पूरे शरीर के स्पंदन को गवर्न करती है, उसे कंट्रोल करते हैं 11 रुद्र। और जो हमारे 8 एंडोक्राइनिक ग्लैंड है, एंडोक्राइनिक ग्लैंड यानी शरीर के मुख्य ऑर्गन जो 8 है, उसे 8 वसु कहा गया है। और जो फ्रंट का हिस्सा है, जो फ्रंट बोलते हैं, जिसे फ्रंटल लॉब बोलते हैं, जब हम सुबह उठते हैं और जो अवेकनिंग होती है उठने वाली की, उसे इंद्र कहा गया है। तो ये है यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, यही फंक्शनिंग हमारे बिजनेस में, हमारे डे टू डे लाइफ में, इवन हमारे फूड में, जो मॉडर्न वर्ल्ड कहता है ना, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये अलग अलग पोषक तत्व है देवताओं के स्वरूप में। तो आगे बढ़ते हैं। तो
और ये आगे की विद्या जो मैं बताने वाला हूँ ये सभी परिचित है। इसका ज्यादातर यूज हमारी शादियों में किया जाता है, और कईयों ने तो गेस भी कर लिया होगा। तो वो है एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र कुंडली। तो ये विद्या सबसे मिसअंडरस्टूड, डराई गई और छिपाई गई और गलत प्रेजेंट की गई विद्या है। तो मेरा दृष्टिकोण क्या है, तो कुंडली एक फ्रेमवर्क है जो आपको ओवरव्यू दिखाता है कि आप आपकी ताकत क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आप सोचते कैसे हो, आपका गुस्सा कैसा है, आपके इमोशन कैसे हैं, आपकी यूनिकनेस क्या है, ये बताता है कुंडली। और पूरे जगत ने क्या बताया कि शनि के नाम पे डराया है, 7.5 दी शनि आपका भारी है। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, ये अलग अलग टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स यानी शनि यानी पेशेंस, स्लो, रिलैक्स, किसी भी काम करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। मंगल यानी एक्शन, जो हम डे टू डे एक्शन करते हैं। मून यानी आपके इमोशन, वो गवर्न करता है। ये सारी चीजें सिंबॉलिक है। और उसके साथ साथ ही राहु केतु के नाम पर भी सभी को डराया है। राहु केतु यानी क्या, जो चंद्रमा और सूर्य के जो पाथ है, यहाँ पर चंद्र जो इंटरेक्ट होता है, जो पॉइंट्स मिलते हैं, उसे राहु केतु कहा गया है। ये राहु केतु एक मैथमेटिकल पॉइंट्स है, और राहु केतु एक सिंबॉलिक चीज है। राहु यानी हेड, केतु यानी उसकी बॉडी, राहु यानी लीडर और केतु यानी उस लीडर के फॉलोअर्स। ये सारी चीजें सिंबॉलिक है। करियर काउंसलर, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आया हुआ है, जो बोलते हैं करियर काउंसलर, लाइफ कोच, लाइफ गुरु। तो ये क्या करते हैं कि आप क्या बिहेवियर हो, किस तरीके से आप सोचते हो, उस तरीके से आपको बताएंगे कि इस फील्ड में आपको जाना है। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को पहले ही बताया कि अर्जुन तीन प्रकार के गुण हैं, रजस, सत्व और तमस। रजस यानी एक्शन ओरिएंटेड, जो सेल्स करते हो, मार्केट करते हो, लीडर करते हो। सत्व यानी जो नॉलेज ओरिएंटेड इंसान हो, यानी नॉलेज ओरिएंटेड यानी साइंटिस्ट, रिसर्चर, टीचर। तमस यानी आपकी इमोशन, जो रिसोर्स को पैदा करते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट को जो हैंडल करते हैं, ये है। और आपको पता है कि प्रॉब्लम कब आती है, जो आप हो नहीं वो होने की कोशिश करते हो। यानी हमने कभी रेशम को हमने कभी मधुमक्खी को बताया कि रेशम बना दे, या कभी शेर को बताया कि वीगन हो जा यानी वेजिटेरियन हो जा। तो आपकी ताकत क्या है, उस हिसाब से आप एक्ट करोगे तो आपने जीवन में आप सफलता पाओगे। आगे जो 16 कला है, 16 इसेंशियल लाइफ स्किल जो गुरुकुलों में सिखाया जाता था। एक कला जो निर्जीव वस्तु में भी होती है, 2 कला यानी कीटक में होती है, 3 कला पक्षियों में होती है, 4 कला एक 4 पैरों पे चलने वाला जो प्राणी उसे भी कहा गया है, 5 कला यानी एक साधारण मनुष्य में भी होती है, 6 कला उन साधारण मनुष्य को जो गवन करता है, जो टीम लीडर कहा जाता है, उसमें 6 कला होती है, और 8 कला आपके सरपंच जो गांव का लीडर होता है, और 12 कला जो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है यानी देश का लीडर, और 16 गुण संपन्न जिसे भगवान की भी उपमा दी गई है। ये है लाइफ इसेंशियल स्किल सेट। आपने सुना होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन जो हकदार होगा अभी राजा वो बनेगा, लेकिन जो हकदार कैसे होते हैं, ये है लाइफ स्किल सेट। जो 16 कलाएं गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। मेकअप यानी कॉस्मेटोलॉजी, सौंदर्य प्रसाधन की कला, जो महिलाएं ज्यादा यूज करती है। तो अंगराग, ये शब्द आपने सुना है, अंगराग यानी फेस मेकअप, इसमें काजल, कस्तूरी, कुमकुम, चंदन, बेसन जैसे पदार्थ का यूज किया जाता था। नेल नेल पेंट यानी नेल को रंगना, इसके एक्सपर्ट को नख लेखक भी कहा जाता था। परफ्यूमरी यानी गंध, जो सेंट हम यूज करते हैं ना, उसका भी उपयोग किया जाता था। क्या आपको लगता है कि ये फुटवेयर या हाई हील्स जो महिलाएं पहनती है, या शूज, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से फैशन आया है, लेकिन यहाँ पे 200 BC से हमारे कल्चर में था, इसका उपयोग किया जाता था। इंडस वैली जो 18,000 वर्ष पूर्व थी, इज वेल ऑर्गेनाइज, जिसमें वाटर मैनेजमेंट था, ड्रेन सिस्टम था, इवन ट्रैश कलेक्शन की व्यवस्था थी यानी कूड़ा जमा करने की व्यवस्था थी। 8,000 वर्ष पूर्व ये सोसाइटी की सिस्टम थी। आप राइट साइड पे देख रहे होंगे जो आईफेल टावर जो पेरिस में स्थित है, इसको मेंटेनेंस के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। क्यों? इसे जंग ना लगे। यहाँ पे एक दिल्ली पे पिलर है 2,300 साल पुराना, इसको कोई भी जंग नहीं। तो देखिए कि वेल कंस्ट्रक्शन कैसा है, वेल प्लान और लॉन्ग टर्म विजन का कंस्ट्रक्शन है। 7 अजूबे, दुनिया के 7 अजूबे जो आप राइट साइड पे देख रहे हो, जो यूरोपियन क्रिएशन है, जिसको 7 अजूबों में गिना जाता है, और ये आधा झुक गया है,
यहाँ पे हजारों सालों से हमारे मंदिर है जैसे कि तैसे खड़े हैं, मजबूत है, क्या हमें इन्हें 7 अजूबों में या दुनिया के अजूबों में गिनना चाहिए या नहीं? सोचने की बात है। क्रिएटिविटी की हद आप देखिए, एक तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसमें 7 म्यूजिकल पिलर है जो पत्थरों में बनाए गए हैं, जो 7 क्लासिकल नोट्स बजते हैं यानी सारे गम पर। तो ये थी क्रिएटिविटी। लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे 5,000 वर्ष पूर्व भृगु संहिता में लिखा था, जले नौके यान स्याद भूमि यान रता स्मृत आकाशे अग्नि याना च वेम यान तदेव ही। जले नौकेव यानी जल पे चलने वाली नाव, भूमि यान रथा यानी जमीन पे चलने वाला रथ, अभी के लैंग्वेज में रोड पे चलने वाली कार, आकाशे अग्नि याना च मीन्स आकाश में रॉकेट। तो ये था फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण इन लोगों का, इन वैदिक कालखंड का। और पिछले हफ्ते आपने शिवरात्रि भी मनाई होगी। जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग का शेप है, उसका फॉर्म है, तो एक मैथमेटिकल फैक्ट है कि इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेविंग एनर्जी एंड होल्डिंग एनर्जी। और ऑल ओवर ग्लोब ग्लोब आप ऑब्जर्व करोगे, जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके जो रिएक्टर्स है ये उसी शेप के है, जो शिवलिंग की तरह है। इतना ही नहीं, आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो कि एक नासा ने पिक्चर सेंड की थी, ये पिक्चर हमारे पूरे ब्रह्मांड की है यानी एक यूनिवर्स की है, कि इसी शेप में हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जो शिवलिंग की शेप की तरह है। तो जीता जागता उदाहरण है अध्यात्म और विज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी और साइंस का। तो इतनी सारी ताकतें हमारे पास थी, लेकिन इतनी सारी ताकतें होने के बावजूद भी हम कैसे गुलाम बने, कमजोर कैसे बने, लाचार कैसे बने? इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना सारा हावी कैसे हुए? हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता भी मिलनी अभी भी बाकी है। इन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर राज्य कैसे किया? मैं तो कहता हूं कि पूरा पैरों तले इन्होंने रौंद दिया। कैसे हुआ? इतनी सारी ताकतें के साथ इन्होंने कुछ टेक्निक का यूज किया। हमें सभी को पता है कि ब्रिटिश आए, हमारे ऊपर 200 साल राज्य किया, लेकिन कैसे कैसे इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया? वो थी टेक्निक आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। शब्द पे ध्यान दीजिए, आइडियोलॉजिकल शब्द, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन यानी विचारधारा का विनाश। ये ऐसी प्रभावी टेक्निक है जिसके आपके विचार, सोचने का ढंग, रहन-सहन सारा बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। गुलामी के साथ साथ ही वैचारिक गुलामी का जो ट्रेंड है, इसे कहा गया आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। तो ओवरऑल सिंपल भाषा में बताऊं तो स्ट्रॉन्ग ब्रेन वॉशिंग। आपको पता है कि युद्ध में सबसे बड़ी कला क्या होती है? आप युद्ध लड़े ही ना और आप युद्ध जीत जाओ। इस टेक्निक का इन्होंने यूज किया, स्ट्रॉन्ग ब्रेन वॉशिंग का। और इसके लिए इनकी एक स्पेशल कमिटी भी थी। इनका काम यही था कि हमारे फेस्टिवल क्या है, कल्चर क्या है, सोसाइटी सिस्टम क्या है, उसमें क्या बुरी बात है, अफवाहें फैलाना, काल्पनिक बताना, झूठ बताना, और हमारे कल्चर को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। और इसके भी 3 स्टेप्स हैं जो बहुत ही खतरनाक है। फर्स्ट स्टेप, डीमोरलाइजेशन, यानी एक डिस्ट्रॉय करना हमारे रिलीजन को, सोसाइटी स्ट्रक्चर को, एजुकेशन सिस्टम को और हिस्ट्री को। रिलीजन को इन्होंने पिछड़े वाली जाति बताई, अंधश्रद्धा बताया, सोसाइटी स्ट्रक्चर को जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, जाति और कास्ट के नाम पे इन्होंने भ्रमित किया। एजुकेशन सिस्टम जो इन्होंने इंग्लिश एक्ट ला के गुरुकुलों को बंद करवा दिया। हिस्ट्री जिसे माइथोलॉजी यानी काल्पनिक नाम से हमें भ्रमित किया। और दूसरा जो स्टेप्स है, डिस्टेबिलाइजेशन, तो इससे क्या होगा कि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे। यानी इन्होंने क्या किया कि बड़ी बड़ी पोजीशन में हमारे ही लोग बैठा दिए ब्रेन वॉश करके, और हमारे खिलाफ उनको काम करना शुरू कर दिया। इससे पूरी अस्थिरता फैल गई पूरे देश में, डिस्टेबिलाइजेशन हो गया। और लास्ट का जो है सबसे खतरनाक, उसे कहा गया है क्राइसिस यानी संकट। हम तो बहुत ही खुशनसीब है कि हमें स्वतंत्रता मिली, जिन आजाद हिंद फौज स्वतंत्र वीरों से ये लड़कर इन्होंने हमारा भारत देश छोड़ दिया। तो क्राइसिस का आप थोड़ा सा मतलब देखिए कि ऐसे ऐसे डिसीजन लेना जल्दबाजी में, आनन फानन में, कि किसी को समझ में भी ना आए, लेकिन पूरे प्लान से जिससे पूरा देश अपने घुटनों पे आ जाए। जब ये अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे ना, तब इन्होंने पहले क्या बताया कि हम जून 1948 को हम भारत छोड़ देंगे, जून 1948 को। और उसी जल्दबाजी में मार्च 1947 को डिक माउंट बैटन, जो वाइस रॉयज बने जब भारत छोड़ रहे थे,
इन्होंने अचानक से ही घोषणा कर दी कि 3 जून 1947 को हम भारत 3 जून को 15 अगस्त 1947 को हम भारत छोड़ देंगे। कि किसी को भी समझ नहीं आया कि इतना जल्दी कैसे होगा, क्योंकि पूरा देश चलाना है, इतना जल्दी कैसे होगा। और उसी शाम 3 जून 1947 को और एक घोषणा हुई, देखिए जल्दबाजी में, आनन फानन में, जिससे पूरा देश घुटने पे आ जाए, वो था भारत पाकिस्तान का विभाजन। और इसके परिणाम अभी भी हम झेल रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन किस कीमत पे। और अब पूरा जगत हमें ही लेक्चर दे रहा है कि उनका कल्चर कितना बड़ा है, सिविलाइजेशन कितनी बड़ी है, एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, और उसकी मदद से जो हमारी वैदिक विद्याएं के पूरा जगत क्या कर रहा है, वैदिक विद्याओं का यूज करके या उपयोग करके पढ़ के। एप्पल जो इसके फाउंडर है स्टीव जॉब, ये भारत में आए थे, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और तंत्र का अभ्यास किया, जिससे इन्होंने ये पाया कि किसी भी वस्तु विचार में जो 5 सेंसरी एक्सपीरियंस यानी 5 इंद्रियों का सुख हो तो वो वस्तु मौल्यवान हो जाती है। 5 इंद्रियों का सुख यानी टच, जो हम फील करते हैं, सी यानी हम देखते हैं, लिसन यानी हम सुनते हैं, स्मेल जो हम सूंघते हैं, टेस्ट जो हम खाते हैं, स्वाद लेते हैं, जो एक्सपीरियंस इन 5 5 इंद्रियों में होगा वो प्रोडक्ट या विचार सबसे मौल्यवान होगा। और जब इन्होंने फोन लॉन्च किया था, फर्स्ट स्क्रीन टच, इन्होंने टच की फीलिंग डाल दी उसमें, फर्स्ट स्क्रीन टच इनका ही था, दिखने में अतिशय सुंदर, सही तरह से बनाया था, लिसन यानी सबसे बेस्ट ऑडियो फॉर्म इन्होंने डाला था, स्पीकर डाले थे, लिसनिंग का इन्होंने डिपिक्शन डाल दिया, स्मेल तो इन्होंने फर्स्ट वॉलपेपर उनका एक फ्लावर था यानी सूंघने की डिपिक्शन इन्होंने डाल दी, टेस्ट फोन तो हम खा नहीं सकते, जो एप्पल का लोगो है उसमें एक बाइट बना दिया कि बाइट थोड़ा सा एप्पल किसी ने खाया है, तो इस 5 इंद्रियों का एक्सपीरियंस एक ही प्रोडक्ट में डाला और एप्पल इज अ सुपर हिट प्रोडक्ट। विश्व का सबसे महंगा फोन एप्पल ही बेचता है। और इनकी बात सुन के फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, जो स्टीव जॉब को मेंटोरी मानते हैं, ये भी भारत को विजिट किया था, इन्होंने भारत का कल्चर स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर किया था, कहा जाता है कि 3 दिन बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी। ऑटोफेजी यानी फास्टिंग, तो प्रोफेसर योशिनोरी इन्होंने एक रिसर्च की कि हम फास्टिंग जब रखते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, तो हमारी एजिंग स्लो हो जाती है, हम मेंटेनेंस में चले जाते हैं, आपकी डाइजेशन स्ट्रांग हो जाती है, कैंसर और ट्यूमर जैसे भी सेल खत्म हो जाते हैं। इसके लिए इनको 2016 में भी नोबेल पारितोषिक मिला। और यहाँ पे इंडियन कल्चर में हजारों सालों से त्योहारों में ऑस्पिशियस डेज पे क्या बोला जाता है, उपवास रखो। और यहाँ पे इनकी डिसरेस्पेक्ट करना नहीं है या इनके रिसर्च के ऊपर पॉइंट आउट करना नहीं है, लेकिन जो हमारे कल्चर में जो वैज्ञानिक स्वरूप है ये सबके सामने लेके आना, ये बहुत ही जरूरी है। और सबसे मौल्यवान दिमाग जो पूरे जगत के ऊपर राज कर रहे हैं, जो टॉप पोजिशन में है, जो इंडियन ओरिजिन के है, सुंदर पिचाई जो अल्फाबेट और गूगल के सीईओ है, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, और ऋषि सुनक जो यूनाइटेड किंगडम के यूके के अभी भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिस यूके ने हमारे ऊपर हजारों 200 साल तक राज्य किया, अब हमारे ही इंडियन ओरिजिन का इंसान उनके ऊपर राज कर रहा है। तो ये था पावरफुल दिमाग हमारी लोगों का, वैदिक कल्चर का हमारे पास था। क्या हमें फिर से गुलामी करनी है, फिर से वही वैचारिक गुलामी करनी है हमें, तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इस वक्त इस पोजीशन में हम क्या स्टेप ले सकते हैं, उसका सोल्यूशन यही होगा कि आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना होगा कि खुद की ताकत क्या है, खुद के कल्चर के बारे में, खुद की विद्याओं के बारे में, खुद का इतिहास, सही इतिहास क्या है, इसके बारे में हमें जानना होगा। रामायण महाभारत गीता उसको पूजा के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए खोलिए, जब आपको पता चलेगा ना हमारी कल्चर की ताकत क्या है, एक रियलाइजेशन होगी कि ताकत में दम क्या है, ताकत क्या है, तब आप प्रत्युत्तर देने के लिए सक्षम रहोगे। प्रत्युत्तर यानी जो जगत ने हमें पता है कि आपका कल्चर इतना काल्पनिक है, फेक है, उसके ऊपर आप प्रत्युत्तर दे पाओगे। प्रत्युत्तर के कुछ उदाहरण मैं बताता हूं, जो वर्ण व्यवस्था, ये ध्यान रखिए कि कभी भी जातिगत और जन्मजात नहीं थी, ध्यान रखिए वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण जो दिमाग से काम करे यानी आपके साइंटिस्ट, रिसर्चर, टीचर हो गए। क्षत्रिय यानी जो क्षेत्र की रक्षा करने वाला, क्षेत्र की देखभाल करने वाला, अभी के पुलिस, आर्मी, गवर्नेंस,
वैश्य यानी वो व्यापार करता हो, छोटे छोटे व्यापार बिजनेस, और शूद्र जो छोटे छोटे टास्क करता हो, छोटे 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 टास्क यानी प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, पेंटिंग हो गया, ये छोटे छोटे टास्क। और आप ध्यान रखिए, कोई भी अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है। प्रोफेशन यानी क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य बन सकता है, वैश्य शूद्र बन सकता है, और शूद्र ब्राह्मण भी बन सकता है। ये कभी भी जातिगत नहीं था। आप क्या कर्म करते हो इस हिसाब से आपको बताया जाता कि आपकी कैटेगराइजेशन किसमें होती है। और ये कास्ट वर्ल्ड जो सो कॉल्ड ब्रिटिशों ने लाया था, ये हमारा कभी भी नहीं था। ये स्पैनिश और पोर्तुगीज का कास्टा वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कभी भी नहीं था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जहां से पूरे जगत से लोग सीखने आते थे, अभी ये बताएंगे हमें कि एजुकेशन सिस्टम क्या होती है। ग्रोथ, जब ये ब्रिटिश आए थे तब 25% जीडीपी थी हमारी, और जब छोड़ गए थे 3% रह गई। और रेलवे के बारे में ये बताते, मतलब लेक्चर देते हैं हमें कि हमने आपके पूरे भारत में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। लेकिन क्यों खड़ा कर दिया, क्योंकि जो रिसोर्सेस है, जो खजाने हैं, आसानी से कैसे लूट कर अपने देश में चले जाए, इसीलिए इन्होंने रेलवे का कंस्ट्रक्शन किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर किया था। माइथोलॉजी, जो रामायण को काल्पनिक बता के भ्रमित किया पूरे जगत को। लेकिन राम सेतु, जो भारत और श्रीलंका के बीच में आप जो पैटर्न देख रहे हो ना, एक ब्रिज की तरह पैटर्न दिख रहा है। रामायण को जब याद करोगे, जब श्री राम जी जब सीता माता को लेने के लिए जा रहे थे, तब वानर सेना के साथ उन्होंने एक ब्रिज बनाया था, वो था राम सेतु, जो अभी भी एक पैटर्न की तरह हमें दिख रहा है। सी लेवल के नीचे है, लेकिन एक पैटर्न दिख रहा है आपको। और पूरे हमारे राम जी के पूरे परिवार की भी लिस्ट है हमारे पास, इतना सारा डिटेल। और इसके साथ साथ ही जब श्री राम जी जन्मे थे, तो प्लैनेटेरियम गॉड सॉफ्टवेयर ने चेक किया था कि इनकी डेट, और इसके साथ साथ ही 500 वेरिफाइबल पॉइंट्स भी मिले थे, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स मिले थे कि श्री राम जी चैत्र शुद्ध नवमी 29 नवंबर 12240 BC में जन्मे थे। और एक ही डेट के ऊपर 500 एक्यूरेट पॉइंट्स, एक ही डेट के ऊपर। तो इतने सारे फैक्ट के साथ हमें रामायण को माइथोलॉजी यानी काल्पनिक बोलना चाहिए या हिस्ट्री बोलना चाहिए, ये सोचने की बात है। तो खुद को समझिए, पहचानिए हमारी ताकत क्या है। ये गुरुकुल या वैदिक विद्या ये राजाओं की विद्या है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन जो इसको सीखेगा, उस पैटर्न में घुलेगा, उसका आचरण करेगा, वो उस क्षेत्र का राजा बनेगा। और अब हमें वैचारिक गुलामी से हटकर वैचारिक ताकतों के ऊपर ध्यान देना होगा। और अभी एक ट्रेंड शुरू चालू है कि सिर्फ प्राउड होना चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, अभी ट्रेंड शुरू है कि बाहर देश के जो मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हम देख के क्या बोलेंगे, देखो देखो ये हमारा ही कल्चर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम कब करेंगे, हम इसका फॉलो कब करेंगे, उस वैदिक विद्याओं में क्या है और आज के जीवन में इसका उपयोग कैसे होता है, ये हम कब समझेंगे। और इसके साथ साथ ही मैं से बोलता हूं, देश काल परिस्थिति यानी आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये नया जगत है, नए रूल्स है, इसके साथ साथ ही नया एरा फाइट यानी नई युद्ध नीति है। अब जो विश्व गुरु है ना, वो इकोनॉमी का विश्व गुरु है। और इसके साथ साथ ही तो हम कैसे बन सकते हैं बिल्कुल विश्व गुरु, इस इकोनॉमी के लीडर हम कैसे बन सकते हैं नए रूल्स के साथ। और जो इकोनॉमी पे अभी राज कर रही है वो है इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जो पूरे जगत के ऊपर राज कर रही है और अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन हमने इसके साइड इफेक्ट भी हम भोग रहे हैं या झेल रहे हैं अभी भी, जो द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये डेवलपमेंट की तरह नहीं, एक डिस्ट्रक्शन की तरह ले जा रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास और एक दुनिया है, तो हमें विश्व गुरु बनना है, इकोनॉमी का लीडर बनना है। लेकिन इस कीमत पे, जहां पे दुनिया ही नहीं होगी, तो हम किसके लीडर बनेंगे। हमारे तो कल्चर ने सिखाया है कि नेचर का ध्यान रखो, नेचर के खिलाफ नहीं, नेचर के साथ काम करो। इसीलिए तो हम पंचभूतों का पूजा करते हैं, यानी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। विश्व गुरु तो बनना है, तो किस कीमत पे, तो हमें बनना होगा विश्व गुरु के साथ, विश्व ईंधन गुरु, लेकिन प्रकृति के खिलाफ नहीं, प्रकृति के साथ। तो ये कौन कर रहा है, कौन जुड़ा है इस मिट्टी के साथ, कौन जुड़ा है रूट कॉज के साथ, प्रकृति के साथ कौन काम कर रहा है। और हाँ, ये नया भारत है, यहाँ पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, थियोरेटिकल बातें नहीं होंगी, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे काम होगा। और जो प्रैक्टिकल वर्किंग कर रहा है, जो विश्व गुरु के साथ विश्व ईंधन गुरु का बनने का जो सपना देख रहा है, वो है
एमसीएल, मीरा क्लीन्सविल लिमिटेड, जो प्रकृति के खिलाफ नहीं प्रकृति के साथ काम कर रहा है, सस्टेनेबल फ्यूल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है, प्रकृति के खिलाफ नहीं प्रकृति के साथ काम कर रहा है। तो आपको पता है कि वेदों में एक शस्त्र का मेंशन है, शस्त्र यानी वेपन, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा गया। ये ब्रह्मास्त्र पूरे जगत के जो वेपन है उसका राजा है, और जो एमसीएल का वेपन है वो है ब्रह्मास्त्र, है एमकोल, जो पूरे जगत ने अभी देख रहे और देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही एमसीएनजी, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे शस्त्र हमारे पास है और वो पूरी दुनिया के लिए है। पर एक, लेकिन इकोनॉमी के लीडर हम कैसे बनेंगे? तो आप सभी लोगों का साथ चाहिए, जो भी हो सभी लोगों का विश्वास चाहिए, वर्ल्ड के नंबर वन लीडर बनने का जो सपना है हमने देखा है वो चाहिए, लेकिन कल्चर के साथ, नेचर के साथ, हमारे रूट के साथ। तो आपका साथ चाहिए, और खुद को पहचानिए, और हम किस मिट्टी से आए हैं वो भी पहचानिए। और जब मैं बोलता हूं ना, जब मैं सुनता हूं हम किस मिट्टी से आए हैं, ये बात मेरे मन में गूंजती है, वो है हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ अपने भूगोल से पहले उस ब्रह्मांड के भूगोल को समझा जाता था। और इसके साथ साथ ही हम किनके साथ काम कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना होगा, वो किनके साथ जुड़े हैं, हम किन रूट के साथ जुड़े हैं। और जब मैं सुनता हूँ ना हम किनके साथ काम कर रहे हैं, तो हम उस देश के नागरिक है जहाँ एमसीएल और डॉक्टर श्याम गोलब जैसा राजा जी रहा है। हम उस देश के नागरिक है जहाँ एमसीएल क्यों किसान नई उम्मीदों से देख रहा है। हम उस देश के नागरिक है जहाँ भारत विश्व गुरु के साथ विश्व ईंधन गुरु भी बन रहा है। तो मैं फिर से कहूंगा सभी को, हमें सभी को विश्व गुरु के साथ विश्व ईंधन गुरु भी बनना है। धन्यवाद।